समेकित बाल विकास परियोजना केंद्र के अंतर्गत गर्भवती धात्री किशोरी और छोटे छोटे बच्चों को सारी सुविधाओं का प्रावधान दिया गया है। पर सरल सिंह टोला गांव वार्ड नंबर 5 में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 138 में ऐसा कुछ सुविधा नहीं दिया जाता है। 4 वर्षों से इन्हें आंगनवाड़ी सेंटर से कोई सहायता नहीं मिलती है। ऐसा ही धात्री और छोटे बच्चों के साथ भी हो रहा है। सेविका संध्या देवी का यह कहना है कि हमारे पास कोई पोषाहार आप लोग के लिए नहीं आता है और स्वास्थ्य संबंधी भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आता है, तो हम लोग नहीं तुम्हारा देखरेख कर सकते हैं। आंगनबाड़ी सेंटर में आपकी बच्ची लोग जाती है पढ़ने, छोटा छोटा बच्चा, तो उसको क्या कैसे उसको क्या नहीं देता है? दाल चावल नहीं देता है, नहीं निक से पढ़ाता है, एक गो नमकीन दे के भगा देता है। आई बच्चे यार जो हमारा घर में तीन तीन चार चार गो है लड़की, कोई 12 बरस के, कोई 14 बरस के, कोई 15 बरस के, किसी के नहीं मिलता है। गर्भवती महिला को क्या क्या देती है? गर्भवती महिला का कुछ नहीं देता है। बच्चा आता है घुर जाता है, कहता कि नहीं मिलेगा यहाँ। इसका शिकायत किए नहीं कभी कहीं अधिकारी के पास? नहीं, नहीं कभी नहीं करे। आंगनवाड़ी जाती है पढ़ने? हाँ। पढ़ाई होता है वहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं होता है पढ़ाई? खेलते हैं। क्यों मैडम नहीं पढ़ाती है? नहीं, खाना में क्या क्या मिलता है? खिचड़ी और चॉकलेट और कुछ। कितने महीना से आप प्रेग्नेंट हैं? 3 महीने से। आंगनवाड़ी से क्या सहायता मिल रहा है आपको? कोई सहायता नहीं। क्यों आप जा करके बात नहीं करती हैं? बात तो करे, 2-3 बार बोले चावल उबल देने के लिए, कुछ नहीं देने। आयरन की गोली वगैरह दे रही है क्या? नहीं कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि समेकित बाल विकास परियोजना केंद्र के अंतर्गत पोषाहार और स्वास्थ्य संबंधित जांच जल्द से जल्द मिले। इसके लिए वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि मीना कुमारी CDPO के नंबर है 9431005060, इस नंबर पर कॉल कर उन पर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं मुंगेर बिहार से शीला, इंडिया अनहर्ड के लिए।